لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الاطيبين العنجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما سي الامام المبين بقية الله في الارضين ارواحنا وارواح العالمين لترى بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے اذان محترم इस इसअसर इमाम बारगाह में आप सभी उस अजीम शान कुर्बानी को याद करने के लिए जमा हुए हैं कि जिस कुर्बानी ने न सिर्फ़ ये कि एक ज़माने के इंसानों के अंदर बेदारी पैदा की है बल्कि इस कुर्बानी ने रहती दुनिया तक आने वाली बशरीत को वो रास्ता दिखाया है कि जिसके नतीजे में इंसान किसी गैर का गुलाम बनना पसंद नहीं करता बल्कि अल्लाह की बंदगी को इख्तियार करके अपने को इस दुनिया में आज़ाद बनाता है लिहाजा इस कुर्बानी के अपने तकाज़े हैं और इस कुर्बानी के इन तकाजों की बिना पर अगर हमने अपनी जिंदगी को गुजारा तो यकीनन हमारे लिए भी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ये क़ुरबानी राह करार पाएगी आज की शब आप सभी वाकिफ हैं कि शब जुमा है वो शब के जिस शब को परवरदिगार ने रहमतों की शब बनाया है वो शब के जिसे परवरदिगार ने मगफिरतों की शब बनाया है वो शब के जिसे अल्लाह ने अपने करम की रात करार दिया है लेकिन इन सब के दरमियान आज की शब की एक और अजमत है कि जो सारी अजमतों के दरमियान मुनफरिद है और इतनी ज्यादा अहमियत रखती है ये एक अजमत के आज की शब के आखिरी लम्हा में यानी जब सुबह की नमाज का वक्त करीब आने लगता है अर्श से एक मलक जमीन की तरफ आता है और तमाम इंसानों से यह इल्तिजा करता है यह फरियाद करता है यह गुजारिश करता है ये रिक्वेस्ट करता है कि अभी भी उठो और उस एक अमल को इख्तियार कर लो ताकि आज की शब तुम इस अजीम अमल से महरूम हो जाने की बिना पर अल्लाह की रहमत से दूर ना हो जाओ वो एक अमल इतनी अहमियत रखता है आज की शब और उसी की गुफ्तु आज मुझे आपके सामने अर्ज करनी है और उसी से मुतालिक जो एतराज है उसे मुझे अर्ज करना है वो एक अमल है क्या इतना अहम अमल है कि इस अमल को इख्तियार करने के लिए आज की शब सारे अंबिया जमीन पे आते हैं उस एक अमल को इख्तियार करने के लिए सारे मलाइका जमीन पर आती हैं मामूली बात नहीं है अर्ज करूंगा मैं रवायत आपकी खिदमत पे पेश करूंगा कि ये अमल इतनी अहमियत रखता है कि मैदान मैशर में इस एक अमल को इख्तियार करने वाला फख्र करेगा नाज करेगा कि मैंने रोए जमीन पर इस अमल को इख्तियार किया अजीब है यह एक अमल इतनी अहमियत रखता है इंसान अभी आप इमाम बारगा की तरफ आ रहे थे तो नॉर्मली होता यह है कि कहा जाता है मसलन बीस कदम का फासला तो यह जो बीस कदम है मुराद क्या है एक बार पैर उठा दूसरी बार रखा गया यह एक बना इस एक अमल के लिए मिलता है कि वो जो कदम बढ़ रहे हो उस अमल के लिए वो एक नहीं बल्कि दो शुमार करता है परवरदिगार और हर हर कदम पर परवरदिगार इस एक अमल को इख्तियार करने वाले के लिए सौ नेकियां लिखता है सौ गुना माफ करता है।, है ये अमल बिल्कुल मुनफरिद है बिल्कुल अलग से यह अमल इख्तियार किया गया है और इसकी बड़ी ताकीद वारिद हुई है मैं आपको लेके आ गया असल मौजू की तरफ वह असल अमल क्या है कि जिसकी आज की शब बड़ी ताकीद है वो अमल है सरकार सीदोदा इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए जाना एक दफा मिलजुल के सलवाद भेज दें आप हजरात अब आइए मैं इसी जियारत की बारगाह में आपको लेकर चलूं मैं महसूस कर रहा हूं कि आज मेरे पास वक्त कम है गुफ्तु बड़ी तवील लेकर आया हूं और बड़ी अहम इसलिए है कि इसको पेश करना पड़ता है साल में दो मौकों पर एक उस मौके पर जब रोज अरफा तमाम ज़ायरीन सरजमीन करबला की तरफ जा रहे हों, तब भी इस गुफ्तगु को मुझे पेश करना पड़ता है और सारे अफराद को और उस मौके पर भी कि जब अरबाइन की ज्यारत के लिए पूरी दुनिया से मुजमीन करबला जमा होते हैं तब भी इस गुफ्तगु को पेश करना पड़ता है शायद मुमकिन है मैं इंतजामिया से इजाजत के साथ मुमकिन है कि थोड़ा सा वक्त आज मैं आपका ज्यादा लूं अपने सवा आठ के वक्त से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं इसलिए कि देर से मंजिल शुरू हुई है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बात आपके जहनों तक पहुंचा ले जाऊं जियारत के सिलसिले में एक बड़ा एतराज किया जाता है अभी वाज हो जाएगा कि कहां से ये एतराज आता है एक एतराज किया जाता है कि यह तुम्हारा जियारत पर जाना यह तुम्हारे अकीदे के खिलाफ है अकीदे इमामत के खिलाफ है सियारत पर जाना सुनेंगे क्यों एतराज करने वाला कह रहा है हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब इकबाल साहब आपसे मुलाकात करने के लिए कहां से तशरीफ लाए कराची से सही कह रहा हूं आपको अगर मुलाकात करनी हो तो कहां जाना होगा इकबाल साहब से मिलने के लिए कराची जाना पड़ेगा क्यों इसलिए कि इकबाल साहब जब कराची में होते हैं मेलबर्न में नहीं होते और आप जिस मौके पर मेलबर्न में होते हैं कराची में नहीं होते लिहाजा चूंकि दोनों एक दूसरे से अलग जगहों पर रहते हैं लिहाजा मिलना होगा तो या उन्हें यहां आना होगा या यहां वाले को वहां जाना होगा जी हैं अगर यही बात है तो फिर आप ज्यारत के लिए इमाम हुसैन की बारगाह में करबला क्यों जाती है क्या आपका अकीदा नहीं है कि अहिल बहतिया हर जगह मौजूद हैं अगर सरकार ऐसी हर जगह नहीं है तो फिर यह जरिए यहां पर क्यों रखी है हमारे अकीदे में शामिल है अगर अहले बैत बैतिया हर जगह है तो फिर वहां क्यों जाते हो और अगर वहां जा रहे हो तो इसके माना है कि तुमने अहले बैतार को हर जगह नहीं माना है नहीं तवज्जो और ये मसला सिर्फ सरकार सीधे शहदा की जीारत का नहीं है सारे मासूम की ज्यारत का है क्या आठवें इमाम सिर्फ मशद मुकदस में है कि उनसे मुलाकात ज्यारत करने के लिए आप वहाँ जाते हैं क्या यहां पर नहीं है क्या सरकार अमीर सिर्फ नजफ़ अशरफ में है मेलबर्न में नहीं है कि आप यहां से वहाँ ज्यारत के लिए जाती हैं क्या सातवें इमाम सिर्फ इस काजमैन में है बकिया दुनिया के इलाकों में नहीं है कि लोग मिलने के लिए वहां जा रहे हैं ज्यारत करने के लिए क्यों जा रहे हैं इतना पैसा इतना टाइम आप हजरात का तो टाइम भी काफी जाता है इतना टाइम देते हैं इतना जॉब के लिए आप छुट्टी लेते हैं पहले से सिस्टम करना पड़ता है पहले से आपको परमिशन लेनी पड़ती है फिर वीजा लेना पड़ता है टिकट लेना पड़ता है वक्त देना पड़ता है न जाने कितना आपका टाइम जाता है कितना लॉस होता है पैसे का कि सब कुछ हो रहा है फिर भी जाने जा रहा क्यों जा रहे हैं आपको तो नहीं जाना चाहिए हमारा अकीदा यह है कि तमाम अहल बहतिया हर जगह हैं और इसका सबूत यह है कि सुबह से लेकर रात तक हमारी जबान पर शायद हमारा खुद का नाम उतना ना आता हो जितना हमारी जबानों पर या अली या अली आता है, है दारे। दारे। आप सुबह में उठे अपने किसी दोस्त को आपने फोन लगाया इतफाक फोन नहीं रिसीव हो पाया घंटे डेढ़ घंटे के बाद आपने दोबारा फोन नहीं लाया लेकिन फिर हो सकता है कि ड्राइविंग पे था नहीं आपका फोन रिसीव कर पाया तीसरी बार फिर आपने फोन मिला दिया अब जो आपने फोन मिलाया और अगर उसने फोन किसी वजह से बिजी होने की बिना पर रिसीव नहीं किया चौथा फोन करेंगे आप करेंगे चौथा फोन नहीं कैसा दोस्त है कैसा जानने वाला है न फोन रिसीव करता है ना कॉल बैक करता है ना मैसेज कर रहा है ना कोई पैगाम दे रहा है कि अजीब इंसान है मैं फोन नहीं करूंगा हम तो किसी को तीसरी बार चौथी बार दोबारा फोन करने पर तैयार नहीं होते लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हर ठोकर या अली या अली कहना बता रहा है कि दुनिया वालों में अमीर उल्मीन में फर्क है दुनिया वाले हो सकता है कि मदद के लिए बुलाया जाए तो मदद के लिए ना आए लेकिन ये सात अमीर उल्मीन है जिनको बुलाने में तो देर हो सकती है मदद में देर नहीं होती है एक दफा मिलजुल के और सलवा भेज दें आप हजरात अगर अमीर उल यहां हैं तो नजफ क्यों जाती हैं आप है नहीं सवाल अगर आशूर के दिन आपने यहां पर सरकार शहादा के लिए जुलूस निकाला मजलिस पढ़ी मजलिस हुई क्यों गए कर बला आप फिर आपको यही रुकना चाहिए टाइम भी बचेगा पैसा भी बचेगा एनर्जी भी आपकी बच जाएगी क्यों जाते हैं आप यह एतराज है कि जो गैरों की तरह इतफाक हर साल होता है यह एतराज नहीं पता आप कितना सोशल मीडिया से अटैच हैं ये हर साल का एतराज़ है अरफे के दिन भी अरबईन के दिन क्यों जाते हो जियारत के लिए क्या फायदा है तुम्हारा ज्यारत पे जाने में क्यों ज्यारत के लिए चले जा रहे हो अगर ज्यारत पे जाना ही है तो तुम जहां के ऊपर रहते हो वहां पर इमाम बारगा मौजूद है चले जाओ ज्यारत करो क्यों इतनी दूर जाते हो और फरमा रहे हैं आप, आप महसूस करें कि यह एतराज आ कहां से रहा है अब यहां से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा ये एतराज आ कहां से रहा है ये एतराज वहां से आ रहा है कि जिन्हें इस बात का खौफ है कि अगर ये सब ज्यारत के लिए करबला जाने लग गए तो हमारे वहां कौन आएगा अब इस ज्यादा तो मैं खुलकर नहीं कह सकता उनको ये खदशा है कि अगर सब उधर डाइवर्ट हो गए तो इधर कौन आएगा जबकि वो भूल गए कि वही इमाम हुसैन की जियारत पर जाने वाला ही हज पे आता है काश में अपने लफ्जों को आपके जहनों तक पहुंचा ले जाऊं हज पर जाने वाले तो बहुत हैं लेकिन क्या वाकयान हाजी कोई बनता है हाजी तो तभी बनता है मिन हज जो रवायत की लफ्जें हैं हज तब मुकम्मल होता है जब इंसान इमाम मासूम की ज्यारत के लिए हाजिर हो जाता है अब मुझे जुमला कहने दीजिए हाजियों की तादाद को देखकर कर न बताओ कितने आए ये बताओ कि सही हज करने वाले कितने हैं नारे और अब आइए मैं आपको लेके चलूं अगर यही बात है कि उनको इस बात का खदशा है कि सब उधर चले गए तो हमारे वहां कौन आएगा मैदान अरफात में कौन पहुंचेगा कौन मक्की आएगा कौन मिना जाएगा कौन कुर्बानी करेगा तो अगर यही बात है गौर से सुनिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अगर यही बात है कि सरकार अमीर उलमीन हर जगह है लिहाजा नजफ न जाओ सरकार सीदा हर जगह है लिहाजा करबला न जाओ बाबुल हवाएज सातवें इमाम हर जगह है लिहाजा काजमैन न जाओ अगर इमाम गरीब इमाम रऊफ़ हर जगह है तो मशद मुकद्दस न जाओ अगर यही मयार है तो फिर ये इंसाफ से हमें जवाब दीजिए कि अगर मासूमीन के हर जगह होने की बिना पर उनकी बारगाह में जाने की जरूरत नहीं है तो फिर खुदा भी तो हर जगह है फिर क्यों मक्के जाते हो फिर क्यों मदीन तैयबा जा रहे हो फिर क्यों अरफात के मैदान में जाकर बैठ रहे हो तवज्जो है नहीं है तो मासूमीन हर जगह है अल्लाह भी हर जगह है लेकिन चूंकि हुक्म परवर दिगार है लिहाजा हम मक्के जाते हैं हुक्म परवर दिगार है लिहाजा मासूम की बारगाह में आते हैं यह तो हो गया हमारा नक्सी जवाब जिसको हमें सामने वाले के सामने इसलिए पेश करना जरूरी होता है ताकि उसकी जबान बंद हो जाए लेकिन अब जो शुभ हमारे जहन में पैदा हुआ है उसका क्या होगा ये तो बात फैक्ट है हंड्रेड परसेंट राइट बिल्कुल सही है कि मासूमीन हर जगह है तो क्या जरूरत है जियारत पर जाने की क्यों जा रहे हो इसका जवाब तो चाहिए ना आइए मैं आपको लेके चलू अहादीस की दुनिया में और यह समझा जाए कि जियारत की अजमत क्या है सुनेंगे आप हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाखिर सलात यह रवायत मैंने खुद तीन किताबों में देखी है बड़ी बड़ीबर बड़ी मोहतरम रवायत है मौला फरमाती हैं कि मुरू अतना जियारत कब्र अबी अब्दुल्ला शी अतना हमारे शी मौला फरमा रहे कि हमारे शीखों को सरकार सीधु शहदा की कब्र मुबारक की जियारत के लिए आमादा करो। मौला क्या मिलेगा चले आएंगे तो क्या मिलेगा उनको फिन इत्या मौला उसको क्या मिलेगा अब फरमा रहे हैं अगर ये जियारत के लिए आ गया सबसे पहला फायदा फी रिस्क उसका रिस्क बढ़ जाएगा दुनिया हमें रोक रही है कि तुम्हारा माल जियारत की बिना पे घट रहा है हम जियारत पर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि जो खर्चा जियारत पर किया था वो कहां से वापस मिल गया जियारत पर जितना खर्च कर रहा है इंसान वो सब उसे मिल रहा है क्यों मिल रहा है वो शायद ये गुफ्तगु आएगी हमारी सातवीं या आठवीं मजलिस में उस मौके पर अर्ज करेंगे लेकिन अभी यहां पर ठहरना नहीं है रिस्क में इजाफा होता है ये फैक्ट है। दूसरा फायदा मौला तीन फायदे बयान फरमाए, दूसरा फायदा फरमाते वमु उस इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है लंबी हो जाती है यहां तो मैंने नहीं देखा जाहिर है कि यहां का अपना एक खास अच्छा कल्चर है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में आप देख लीजिए सुब में रोड्स के ऊपर आप देखिए न जाने कितने लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं जॉगिंग कर रहा है कोई वॉकिंग कर रहा है कोई डाइटिंग कर रहा है कोई खाने में एहतियात कर रहा है कोई पीने में एहतियात कर रहा है अगर डायबिटीज है तो मीठी चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहा है अगर मसलन हाइपरटेंशन है तो मसलन नमक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कितनी एहतियात क्यों और जैसे हमारे शहर में कहा जाता है कि इधर चालीस साल के हुए दवाओं का पाउच हाथ में आ गया ये क्यों क्यों दवा लेके जा रहा है दवा इसलिए लेके जा रहा है दवाओं के अलावा जॉगिंग वॉकिंग एक्सरसाइज क्यों कर रहा है ये इंसान खाने पीने में क्यों एहतियात कर रहा है एक वजह है। वो चाहता है कि पचास में दुनिया से ना जाए साठ में जाए साठ का है तो चाहता है सत्तर में जाए सत्तर का है तो चाहता है अस्सी में जाए यही तो होता है ना यहां तो मैंने नहीं देखा हमारे वहां तो बाकायदा दो टंकियां रखी जाती हैं चाय की एक उन लोगों के लिए कि जिनको डायबिटीज नहीं है और एक उनके लिए जिनको डायबिटीज है है अलग-अलग क्यों इंसान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है ताकि उम्र बढ़ जाए अलबत् इन सब को मैं अपोज नहीं कर रहा हूं बड़ा अच्छा काम है जॉगिंग होना चाहिए वॉकिंग होना चाहिए एक्सरसाइज होनी चाहिए दवाएं खानी चाहिए परहेज होना चाहिए सारी चीजें हैं इंसान अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है इतनी तवज्जो दे रहा है अल्लाह वादा कर रहा है मेरे हुसैन की ज्यारत के लिए आ जाओ मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगा क्या उम्र में इजाफा होता है उम्र घटती नहीं है यह उम्र बढ़ जाती है और इसीलिए बहरहाल अपने अपना एक कल्चर होता है अपना अपना एक मिजाज होता है हम लोग तलाश करते हैं उस टूर को जो कम से कम पीरियड में हमें वापस पहुंचा दे तो इसलिए कि वहां जाएंगे तो एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर फिर यहां बड़ा नुकसान हो जाएगा जबकि हकीकत यह है कि उम्र वो नहीं है जो यहां गुजार रहे हैं उम्र वो है कि जो आका के कदमों में गुजर जाए वो असल उम्र है और फरमाया आपने तीसरा फायदा वाफ फा पहला फायदा उसके रिस्क में इजाफा दूसरा फायदा उम्र बढ़ जाएगी तीसरा फायदा फरमाया न जाने कितनी ऐसी मुश्किल हैं कि जो उसकी इस जियारत की बिना पे अल्लाह उससे टाल देता है खुदा ना करे किसी जवान का एक्सीडेंट हो जाए तो बता सकता है कि आज क्या नुकसान हुआ गाड़ी का नुकसान बॉडी का नुकसान सारी चीजें लेकिन किसी का नहीं कुछ हुआ अलहमद हादसा तो अब तो नहीं बता सकता ना कि सुबह से लेके शाम तक कितना नुकसान नहीं हुआ कोई बता सकता है हो जाए तो बता सकता है ना हो तो कोई नहीं बता सकता कि कितना फायदा हुआ अल्लाह कह रहा है अगर इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए आ रहे हो तो तुम्हारी मुश्किलात को टाल दूंगा पता भी नहीं चलेगा न जाने कितनी मुसीबतें हैं जो आने वाली थी जियारत ने रोक लिया तो यह फायदा तो है लेकिन अब यहां पर एक कदम और आगे बढ़कर ये सारा जियारत का सवाब आपको तब भी मिल जाएगा कि जब आप इस ज्यारत सरकार को वहां जाकर न करें जहां हो वहीं पे कर लें पूरा सवाब मिलेगा रवायत है जो इन शाह जियारत की मजलिस जो आशूर के बाद होती है उसमें अर्ज करूंगा क्यों अर्ज करूंगा उस मौके के ऊपर उसकी मुनासिबत है सारा सवाब परवरदगार दे रहा है तो फिर क्यों जाए सरकार की कब्र मुबारक की जियारत करने के लिए अच्छा मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि यह सारा मसला सिर्फ इमाम हुसैन इस्लाम की जियारत का नहीं है सारे मासूम की जियारत का यही मसला है क्यों जा रहे हो जियारत पे हमें एक बात की तरफ और तवज्जो देनी है कि जो अगरचे आज की गुफ्तु नहीं है यह मौका अरब का है लेकिन मैं वाजे कर दूं हम लोग कभी कभी तर्जमे में इज्तवा करती हैं जो हमारी अलामत मोमिन की बयान की गई है अलामतुलमिन खम्स मैं समझता हूं शायद हमारी कौम के बच्चों को भी यह रवायत याद होगी हमारे और आपके ग्यारह इमाम हसन अस्करी सलाम मौला ने फरमाया कि किमतिन खम्स पांच अलामती हैं सबसे पहली अलामत असला तोदा व, व खमसिन इक्यावन रक्यावन 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 नमाज वाजिब नमाजे सत्रह की निशानी है जब मौका मिले नमाजों को पढ़ लिया जाए वाजिब तो हर हमेशा पढ़नी है दूसरी अलामत मौला फरमाते हैं कि जबीन इस इंसान की पेशानी जिस मौके पर सजदे के लिए झुके तो खाक पर रखी जाए नकालीन पर हो न कपड़ों पर हो न खाने पीने वाली चीजों पर हो सजदा खाक पर और इसीलिए हमने जो अपने लिए सजदगा का इंतखा किया वो खाक शिफा को इसलिए कि उससे बेहतर कोई खाक नहीं है तीसरी तीसरीत अलजहरब बिस्मिल्लामानीम की सात यह है कि वह अपनी नमाजों में जिस मौके पर बिसमिल्ला कहता है यह बिसमिल्ला बुलंद आवाज से कहता है छुपाने की जरूरत नहीं है ज में बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत नहीं है बुलंद आवाज से कही तो फरमाई यह अलामत उसके बाद मौला फरमाते कि अत्तख़त तुम बिल यमीन दाहिने हाथ में के अंगूठी होनी चाहिए यह हुई चौथी अलामत पांचवी अलामत मौला फरमाते कि वह जियारतुल अरबाइन जिसका तर्जमा हमने कहा कि हम लोग गलत कर जाती हैं जियारतल अरब का तर्जमा क्या है अरबइन के मौके पर इमाम हुसैन की जियारत करना हम तर्जमा करते हैं पढ़ना टूरिसाइट हम लोग लिखते हैं तर्जमे में टूरिसाइट नहीं है तो उन लोगों के लिए है कि जो वहां न पहुंच पाए जो इमाम हुसैन की खबर मुबारक तक खुद को न पहुंचा पाए उनके लिए है कि जहां हो वहीं से ज्यारत पढ़ लो वरना खुद जो ज्यारत भी जुम लफ आया आया है जियारत करना इमाम की बारगाह में हाजिर होना यह मोमिन की अलामत है और फरमाया आपने मौला क्या फायदा है बस मेरा वक्त पूरा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से असल मरहले तक आपको ले आए मौला क्या फायदा है क्यों जाए ज्यारत के लिए क्या वजह है इमाम हुसैन तो यहां भी है मेलबर्न में भी है सिडनी में भी है जितने भी एडलेट में भी है जितने भी दुनिया के मकाम आप बयान करेंगे सब जगह इमाम हुसैन मौजूद हैं और इसकी बेहतरीन दलील है इन्हीं दन दस दिनों में दुनिया के हर इलाके में इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है तो क्या जरूरत है करबला ज्यारत के लिए जाए या बकिया मासूमिन की बारगाह में जाए वजह क्या है सुने आप इसका जो असल जवाब है मैं यहां से ठहर ठहर के कह रहा हूं ताकि हमारे बच्चे भी मुतवजे हो जाए जवान भी मुतवजे हो जाए इसका जो असल जवाब है वो हमें उस अजीम शान ज्यारत में मिला अलबत् पांच असबाब हैं इमाम की जियारत करने के जिनमें से एक मैं बयान कर रहा हूं एक रीजन बयान कर रहा हूं मौला की वो जियारत के जो हमारे और आपके दसवें इमाम अली नकी सलात वसलाम। मौला ने जो ज्यारत तालीम फरमाई है बड़ी मारूफ जियारत है आप जानते हैं वह जियारत का नाम जियारत जाम यह ज्यारत जामिया कबीरा भी कहलाती बड़ी अहम ज्यारत है अहले अथार की मारिफत का समंदर है ये ज्यारत अगर आपको मार्फत अथार हासिल करना है तो बगैर इस ज्यारत की आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये दो हमारे पास तवील अल्लाह की न्यामतें हैं एक दुआए जोशन कबीर है एक ज्यारत जामिया है अगर अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है अल्लाह के नामों के जरिए तो दुआए जोशन कबीर पढ़ना है और अगर अहल बैत या थार की मारफत हासिल करनी है मासूम की जबान से नकल शुदा ज्यारत के जरिए तो ज्यारत जामिया पढ़ना है इसके माना है मार्फत परवरदिगार के लिए जोशन कबीर है मार्फत अहल बैत के लिए ज्यारत जामिया है और हमें दोनों के साथ रहना है शबें आती हैं शबाए कदर आती है तो हम ज्यारत दु, ये दुआ जोशन कबीर पढ़ते हैं इसी तरह से जब मासूम की ज्यारत के लिए जाइए तो ज्यारत जाम जरूर पढ़िए सारे मासूम की बारगा में जिस मौके के ऊपर इंसान जियारत को शुरू करता है क्या कहता है? है काफी तवील है नहीं पूरी, पूरी पढ़ सकते मुख्तसर तो पढ़िए जितना हिस्सा पढ़ सकते हैं आज पढ़ लीजिए मसलन ज्यारत पर गए पांच दिन के लिए डिवाइड कीजिए पांच दिन में ज्यारत को आज एक पढ़ दूसरा पार दूसरे दिन तीसरा पार तीसरे दिन लेकिन एक ज्यारत जरूर पढ़िए जामिया जिस मौके पर ज्यारत के लिए जाए मैंने यह तमीद क्यों कायम की सिर्फ इसलिए ताकि इस जीारत के एक फ़िक्रे को आपके सामने अर्ज करूं और ये बात बयान करूं कि हम जियारत पर क्यों जाती हैं इसी जियारत जामिया में हम एक जुमला कहते हैं कि अहिल थार हम आपकी बारगाह में आए हैं हर मासूम की जरिए अकस के सामने जियारत पढ़ने की ताकीद है अहिल थार हम आपकी बारगाह में आए हैं आपके हैं व आए बेकबूर यह आएदम बेकबूर कुम बड़ा आम है मामूली जुमला नहीं है एहले बे अथार हम आपकी कब्रों पर आकर पनाह ले रही हैं। नहीं मैं आपको नहीं पहुंचा पाया उस बात तक अब मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी बात समझा ले जाऊं देखिए पनाह लेना किसको कहते हैं? इसको गौर से सुनिएगा बचपना हम सब ने गुजारा है और बचपने के अपने तकाजे होते हैं आज भी जो बच्चे हैं उनके अपने उम्र के तकाजे हैं बड़ी उम्र के अपने तकाजे होते हैं कभी कभी ऐसा हुआ होगा आप हजरात में से किसी के साथ कि किसी बुजुर्गवार का दिल दुख गया आपसे और वो छोटे मोटे नहीं ऐसा दिल दुखा कि उन्होंने कहा, आप तो मैं इंतकाम लूंगा इससे रिवेज लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए मैं बदला लूंगा क्या किया जाए अच्छा ये बेटा समझ गया पांच साल का लड़का था छह साल का वो समझ गया कि ये बुजुर्गवार हमारे पड़ोस में रहते हैं इनको बुरा लग गया है किसी मौके के ऊपर कुछ मैंने कहा था या सलाम नहीं किया था उनको बुरा लगा था मैं मारूंगा इस बच्चे को इस इंतकाम में इस बदले के लिए वो मौका तलाश कर रहे थे बच्चा समझ गया था अच्छा उसने अपनी चालाकी का मुजाहरा किया घर से निकलता ही नहीं अकेला वो कभी माँ के साथ जा रहा है कभी बड़े भाई के साथ जा रहा है कभी वालिद के साथ कभी अकेला निकलता ही नहीं है अच्छा वो इंतजार में है कि कभी अकेला मिल जाए तो इससे बदला ले लिया जाए एक दिन गर्मी का जमाना भरी दोपहर उस मौके के ऊपर उसने सोचा कि आइसक्रीम खरीदनी है जरा चौराहे तक चले आइसक्रीम खरीद के वापस आ जाएंगे खा लेंगे दोपहर का मौका है वो बुजुर्ग बार भी अपने रूम में एसी चला के बैठे होंगे कहां वो इस वक्त देख पाएंगे मुझको मैं जाके आइसक्रीम लेके जल्दी से आ जाऊंगा घर का दरवाजा खोला बाहर निकला अच्छा हम लोग के वहां तो यह भी इतफाक खूब होता है यहां तो अलहमदिल्ला नहीं है कि लाइट ही नहीं है आज ही के दिन लाइट नहीं थी और वह बुजुर्गवार भी अब तो एसी चलना तो दूर की बात है पंखा भी नहीं चल रहा था वो खिड़की खोले में खिड़की में बैठे थे कि कुछ हवा मिल जाए अब जो उन्होंने बच्चे को घर से निकलते हुए देखा उन्होंने कहा आज मौका मिल गया इस बच्चे से इंतकाम लेने का और उन्होंने जल्दी से शर्ट पहनी को बनियान में थे जल्दी से शर्ट पहनी और बाहर निकल पड़े और अब जो वो बाहर निकले बच्चा दुकान तक पहुंच चुका था जब तक ये आए अब वो भी जल्दी दुकान तक पहुंचे बच्चे पैसा बच्चा पैसा दे चुका था आइसक्रीम लेना ही चाह रहा था कि अब जो देखा कि वो बुजुर्गवार आ रहे हैं उन्होंने कहा कि आज तुम्हें कौन बचाएगा आज तो अकेले हो बच्चा पैसा दे चुका था आइसक्रीम अभी ली नहीं थी आप बताइए इंसाफ से वो बच्चा रुकेगा आइसक्रीम लेने के लिए भागेगा तो आइसक्रीम गा तो मसला बाद में देखा जाएगा दस रुपए चले भी जाएंगे तो मसला जान तो बचानी है इज्जत तो बचानी जरूरी है भागा वो बच्चा अच्छा बच्चा अपने को बड़ों से ज्यादा पहचानता है यह अजीब चीज है अल्लाह ने इनके मिजाज में रखा है वो जानता है कि इनकी ताकत ज्यादा है मेरी ताकत कम है ले इस बिना पर वो टकराएगा नहीं लड़ नहीं जाएगा भिड़ नहीं जाएगा और अब वो भागा सरपट वहां से बड़ी तेजी के साथ वहां से दौड़ के भागा दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और बुजुर्गवार भी पीछे दौड़ते हुए अपनी पूरी तवानाई के साथ आ रहे हैं और ये बच्चा दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे में दाखिल होकर बंद करना तो दूर की बात है घर का दरवाजा घर में दाखिल हुआ दरवाजा खुला छोड़ दिया और सीधा अपनी मां की आगोश में जाकर बैठ गया और अब बुजुर्गवार से कह रहा है कि हिम्मत हो तो मारिए मेरे साथ है ना आप हजरात अब वो बच्चा अगर हिम्मत हो तो मारिए क्या फर्क है ये जो चौराहे पर दुकान पे बच्चा खड़ा था उस बच्चे में और यहां पे मौजूद मां की आवाज़ में बैठे बच्चे में क्या फर्क है जो हाथों की ताकत वहां थी वही हाथों की ताकत यहां है जो पैरों की तवानाई वहां थी वही तवानाई यहां है जो इसका वजन वहां था वही वजन यहां है लेकिन अजीब है वहां हिम्मत नहीं पड़ी उसकी कि ये कह सके कि आ मुझसे टकरा जा आइए मुझको मार सकते हैं तो मार लीजिए लेकिन अब जब उसको मां मिल गई है तो अब वो आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि हिम्मत हो तो अब मार के दिखाइए इसके माना है जब कमजोर को मजबूत पनाह मिल जाती है तो अपने से ज्यादा ताकतवर से टकराने की हिम्मत पैदा हो जाती है आप मुतवजे हुए हम इसीलिए सरज करबला में आका की बारगाह में जाकर पनाह लेते हैं दुनिया में जब में होते हैं शैतान हमसे ज्यादा ताकतवर है।, दुनिया की हम है हम उनसे टकरा नहीं सकते हैं जरूरत एक ऐसी की है जहाँ पर शैतान हमें नुकसान न पहुंचा पाए बेटे हम मासूम की कब्र मुबारक पर जाकर पनाह लेते हैं यह पनाह बड़ी अहमियत रखता है हम वहां पहुंचने के बाद फिर दुनिया की ताकतों से टकराने की हिम्मत पैदा कर लेते हैं और इसीलिए मैं अर्ज करूं बकिया जगहों में और मासूम की बारगाह में यही फर्क है वो अफराद के जो हमारे मुंबई शहर के हैं मैं बकिया जगहों की मिसाल नहीं दूंगा इसलिए कहीं तोहिन का पहलू निकल आए हमारे हिंदुस्तान में जब साल मुकम्मल होता है और अगला साल शुरू होता है तो ये मुश्तरका रात होती है मैं बड़ी एहतियात से लफ्जी अदा कर रहा हूं साल खत्म होता है अगला साल शुरू होता है तो एक रात है जो दोनों से मिली होती है इधर पिछला साल और वो अगला हिस्सा जो होता है वो नए साल से बहुत बड़ा मजमा होता है कितना बड़ा मजमा पच्चीस हजार का मजमा बहुत बड़ा समझा जाता है सब जमा होते हैं हमारे शहर में और फिर उस दिन जो है सुबह में जब वापस जाने लगते हैं तो कोई आवाज देता है कि मेरी पॉकेट मार ली गई कोई कहता है कि मेरी जेब काट ली कोई कहता है कि मेरा पैर कुचल दिया गया कोई कहता है कि मेरी नामूस पे हाथ उठा दिया कोई कहता है कि मुझको नुकसान पहुंचाए बड़े झगड़े और कितने लोग हैं कि जो जाकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाते हैं क्यों इसलिए कि रात में पच्चीस हजार के मुख्तसर से मजमे में इतने वाकियात हादसात हो गए आपने गौर किया दुनिया में इतना छोटा सा मजमा भी आया तो इतनी कंप्लेन हो रही है वहां ढाई करोड़ का मजमा आता है न किसी का पैर कुचला जाता है न किसी की नामूस की तोहहीन होती है न किसी की पॉकेट मारी जाती है न किसी का पैसा चोरी होता है ये दोनों में फर्क क्यों है वहां इमाम हुसैन की बारगाह में इतना बड़ा मजमा आता है लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है यहां छोटा सा मजमा जमा है इतना नुकसान हो रहा है दोनों में बुनियादी फर्क यही है यह पच्चीस हजार का मजमा वो था जो शैतान की हुक्मरानी में आ रहा था वो ढाई करोड़ का मजमा वो है जो हुसैन की हुकूमत में आ रहा है नारे 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 सलावाद आपने महसूस किया कि आका हुसैन की बारगाह सारे मासूमीन की बारगाह इंसानों को शैतानी चंगुल से नजात दिलाती हैं इसीलिए मुरूशी अतनाल जियारत खबरें अभी अब्दुल्लास हमारे शियों को इस बात के लिए आमादा करो कि वो जियारत पर आए छ महीने आठ महीने असर रहता है जियारत का जिन आँखों से इमाम हुसैन की जरी को इंसान ने देखा फिर वो आँखें गुनाह नहीं करती जिन हाथों से आका की जरी को थामा फिर उन हाथों से इंसान जुल्म नहीं ढाता। जिस जबान से आका की जियारत पढ़ी है वो जबान गाली नहीं बकती। जिस खातून ने जनाब जैनब की जरी को पकड़ के आपके उन मसायब को जो आपके पर्दे के छिंचाने की बिना पर आपको सोचकर गिरिया किया फिर वह खातून बेहजाब नहीं होती क्यों इसलिए कि जियारत का असर रहता है और इसीलिए है कि हर साल मासूम की जियारत करने जाओ वक्त नहीं बचा मासूम ने फरमाया कि अगर पैसा है तो हर साल ज्यारत करो नहीं है तो दो साल में एक बार जाओ अपने खाने पीने से पैसा कम करो ज्यारत पर जाओ बड़ी अहमियत है खास तौर से इस नौजवान नस्ल को जियारत के लिए लेकर जाना चाहिए और यह ज्यारत हर जमाने में बड़ी अहमियत रखती थी मासूमिन ने जियारत की है अपने आबाओ अजदाद की बारगाह में बारगाहारत के लिए आती थी मैं जल्दी से अर्ज करूं और बात को मुकम्मल करूं यही जो ज्यारत अरबाइन है यह आज एक अजीम की तरफ से हमें मिली है इस अरबाइन की जियारत को बड़ी अहमियत दी है अल्लाह ने हता मुकमिन की अलामत बनाया है गुजता जमाने से चली आ रही है लेकिन जाहिर है हालात ऐसे नहीं थे कि ये रौनक इतनी ज्यादा होती जियारत की अभी इसकी ज्यारत की रौनक और बढ़ गई है इसकी वजह यह है कि अब हालात बेहतर हुए हैं एक अजीम शान शख्सियत का नाम आपने सुना होगा मरहूम मुकदस अरदबेली दबेली रिजवान बड़े जलील आलिम दीन गुजरे आखिरी इमाम से आपकी मुलाकातों के वाकियात हैं और आपका खुद एक मुनफरिद अंदाज था यह मुकद्दस जो टाइटल है वो हमारा आपका दिया हुआ नहीं है क्या हम खुश हो गए तो आसमान पे बिठा दिया नाराज हो गए तो पैरों में रगड़ दिया नहीं ये मुकद्दस टाइटल खुद इमाम ने दिया है हुसैन नाम था मुकद्दस उनका टाइटल है इमाम ने दिया है इतनी अहमियत सुने आप मरु में मुकदस अर तबेली और ऐसे में जल्दी से अर्ज कर रहा हूँ मुद्दस अर तबीली और रजवान इसी नजफ़ अशरफ से करबला ज्यारत के लिए हमेशा जाते थे और खास तौर से हर शब जुमा जाते थे खास तौर से अरबाइन की जियारत वो किसी दिन भी अरबाइन आ जाए उससे पहले पैदल चलते हुए आते थे और उनका तरीक़ार ये थे मुकदस अर तबीलीमत और रिजवान बेहतरीन उस्ताद थे बेस्ट टीचर थे लेकिन नहीं थे एक खतीब और होता है और एक टीचर और होता है बहुत कम ऐसा होता है कि टीचर खतीब एक हो जाए अच्छे टीचर थे बेस्ट टीचर थे लेकिन ओरेटर नहीं थे मरुम मुकदसली अपने साथ अपने एक शागिर्द को किसी भी एक शागिर्द से कहते हैं कि तुम्हारे साथ ज्यारत पे चलो रास्ते में तुम्हारा काम हो गया ज्यारत पढ़ना मसायब पढ़ना मजलिस पढ़ना नौहे पढ़ना ताकि हम सब तुम्हारे साथ इमाम हुसैन को याद करते हुए ये चले पैदल ये रास्ता भी अलग था मैं इन शह अर्ज करूंगा ग्यारह मुहर्रम की मजलिस में कि ये रास्ता जो जियारत का था ये अलग रास्ता था जो आज हम जिस रास्ते से चले वो दूसरा रास्ता है मुकदस अच्छा वो लंबा रास्ता था यहन में ज्यादा लंबा रास्ता था ये पचासी किलोमीटर वीरीबन पंचानबे सौ के आसपास वो फासला ज्यादा है उसका मुकदस और अल रहमत और रिजवान अपने इस शागिद के साथ अरबाइन की जियारत के लिए निकले थे सारे शागि साथ में थे खास तौर से उस शागिर्द को लिया था ताकि वो नौहे पढ़ सके मसाए पढ़ सके और गिरिया हो सके पहुंचे ये लोग शब अरब आ चुकी थी सरजमीन करबला पर सारे दुनिया से उस जमाने में भी लोग आते थे अरबाइन की ज्यारत के लिए अलबत मशी नहीं थी पैदल वॉकिंग नहीं होती थी लोग ज्यारत के लिए डायरेक्ट आते थे नजफ़ से पहुंचे सारा दुनिया का मजमा इस करबला में आ चुका था जाहिर है कि अब इस मौके के ऊपर किसी उस ज़माने में हरम भी छोटा था मुमकिन नहीं था कि हरम में अंदर खड़े हो के ज्यारत पढ़ सके मुकदस अर्दबीली ने अपने सारे साखियों शागिर्दों से कहा कि हम लोग यहीं सहन में बाहर खड़े हो के ज्यारत पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद अंदर चलेंगे और वहां फिर हर एक जायरे की जगह एक साथ खड़े होने की नहीं होगी वहां फिर हर एक अपनी अपनी ज्यारत इंडिविजअली पढ़ेगा मुकदस अर्दबीली ने नजर दौड़ाई कि अपने उस शागिरद से कहें कि पहले थोड़े मसायब पढ़ दो उसके बाद हम इमाम हुसैन की ज्यारत अरबाइन पढ़ेंगे देखा वो शागिर नहीं दिखाई दे रहा था कहाँ गया वो का मजमा इतना था कि वो कहीं आगे पीछे हो गया मिल नहीं रहा है क्या ढूंढो कहाँ गया वो ताकि कुछ मसायब हो जाए ढूंढा नहीं मिला मुकदस अरदबीली से सब ने कहा शागिर्दों ने भी कहा कि काम करते हैं पहले ज्यारत पढ़ ली हम लोग वो आ जाएगा उतनी देर में यकीन ढूंढ रहा होगा वो हम लोगों को आ जाएगा तो फिर वो हम लोगों के दरमियान मसायब पढ़ देगा हम लोग जो गिरिया कर लेंगे मातम कर लेंगे मुकदस अर्दबेली ने कहा ठीक है मुकदस अर्दबेली जैसा मुकदस इंसान आका के हरम में जियारत पढ़े तो क्या आलम होगा कितना गिरिया होगा मुकदस अरदबेली ने जियारत अरब इन शुरू किया खुद भी रो रहे थे सारा मजमा रो रहा और इसी मजमे जाहिर है कि बहुत से अफराद थे जो जियारत के लिए आए थे जो साथ में नहीं आए थे मुकदस अर के वो भी साथ में खड़े हो गए थे जियारत पढ़ने के लिए मुकदस अर इस जियारत में एक जवान था बेपना रो रहा था बड़ी शिद्दत के साथ गिरिया कर रहा था बड़ा ताजुआ मुकदस अर को भी और बकिया को भी कि इसके गिरिए का अंदाज ब जैसे कोई औलाद अपने वालिद का इंतकाल हो जाए तो मातम करे ऐसा अंदाज था अलबत जियारत के मौके पर बाज फिक्रों के लिए भी मुतवजह कराया उस जवान ने कि नहीं मुकदस अर्दवेली आप यूं नहीं यूं पढ़िए वो सारे मराहल जैसे ही जियारत मुकम्मल हुई मुकदस अर्दवेली ने फिर देखा कि आया वो शागिर्द क्या नहीं अभी नहीं आया बड़ी मायूसी महसूस की मुकदस अर्दबेली ने उस जवान ने पूछा कि खैरियत क्या हो गया मुकदस क्यों इतने आप परेशान हैं अच्छा वो पहचान रहा है क्यों परेशान है इतने का वो हमारा एक शागिर था कि जो मसायब पढ़ता था इमाम हुसैन के ये भी बहुत बड़ी नेमत है इंसान को मसायब पढ़ने वाला मिल जाए इंसान मसायब सुनकर गिरिया करे बहुत बड़ी नेमत है क्या मेरा एक शागिर था जो मसायब पढ़ता था नहीं मिल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि अब बगैर मसायब पर गिरिया किए हुए हम सबको ज्यारत के लिए इमाम हुसैन की बारगाह में जाना होगा उस जवान ने कहा कि मुकदस मैं मसायब पढ़ दू शायद अगर पहचान लिया होता तो इस तरह से जवाब न देते पूछा पढ़ सकते हो तुम क्या मैं मसाए पढ़ सकता हूँ कच्चा ही पढ़ दो आप हाँ सुनेंगे वो तो तब पता चला कि जब मसाहब का फकर पढ़ने के बाद ये शख्सियत निगाहों से ओझल हुई तब पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि हुसैन का बेटा था कि जो ज्यारत के लिए आया था जहरा का लाडला था जो ज्यारत के लिए आया था कहते हैं मुकदस अर्दबेली के हम सभी उस जगह के ऊपर खड़े हुए थे उस जवान ने खास अंदाज में इमाम हुसैन की जरिए अकदस की तरफ रुख किया और एक जुमला बस मसायद का पड़ा बस और शिद्दत गिर किया कहते हैं आका ये मेरे जद्दे मजलूम न मैं न ये मुकदस न ये मजमा कोई आज तक नहीं भूल पाया कि मेरे जद जिस तरह से आपने खेमे के दर पे खड़े होके कहा था कि ए जैनब खुदा हाफिज ए आका ए मेरे जद्द मजलूम मैं आज तक उसको नहीं भुला पाया हूँ अपनी जैनब की उस मजलूमियत को कि जिस अंदाज में मेरी फूफी जैनब ने तड़प के आपको देखा था ए मेरे जद्द मजलूम ए आका हुसैन मैं अभी तक उसको भुला नहीं पा रहा हूँ ये जुमला कह के इमाम ने गिर किया आखिरी इमाम का गिरिए का अंदाज था सारा मछबा रो रहा था क्यों इसलिए कि उस मसाहिब के फिक्रे को बयान कर दिया था कि जो जैनब औलिया मकाम के लिए बड़ा सख्त था हाँ आप सोच रहे होंगे कि जनाब जैनब की ये सबसे बड़ी मुसीबत थी हाँ आजादारों सबसे बड़ी मुसीबत जनाब जैनब के लिए यही थी कि हुसैन जिनके लिए सारी कुर्बानियां थीं अब वो हुसैन मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं लेकिन सुनेंगे आजादारों यही जैनब है कि जिनकी हर परेशानी को हुसैन ने दूर करना चाहा है कुछ ऐसे मवाके आए कि जब जैनब बेचैन हुई हैं और हुसैन ने उनको सुकून और इत्मीनान अदा किया है एक वो मौका भी आया कि जब इसी मैदान करबला में अपने ज्यादात का लश्कर आया उस मौके के ऊपर इस मैदान करबला में आलम यह होता था कि हर आने वाला लश्कर पूरे अपने लश्कर के साथ इन खेमों के चारों तरफ आके दौड़

अपने एक गुलाम के हवाले किया जाओ कूफे चले जाओ और छुप कर जाना हबीब के दरवाजे पे चले जाना और यह खत पहुंचा देना वो गुलाम निकला सरजमीन कूफा पहुंचा सुने गया जदारों जनाब हबीब अपनी सौजा के साथ ने बयान किया है अपनी सौजा के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे अचानक अब जो बाब हुआ जनाब हबीब का लुकमा है कि जो दहेन में अटक गया है जनाब हबीब उठे आए दरवाजे के ऊपर आए देखा कि गुलाम खड़ा है पूछ प, पूछो पूछा बताओ क्यों आए हो कहा मैं जहरा के लाल हुसैन की तरफ से सफीर बन के आया हूँ और वो खत जनाब हबीब के हवाले किया उसमें लिखा था मैं हुसैन इब्ने अली हूँ रजुल फकीर रजुल फकीर के तरफ खत लिखा है ए हबीब हुसैन जमीन करबला में आ चुके हैं दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं अगर चाहते हो कि मदद करो तो जल्दी खुद को करबला पहुंचाओ हबीब वापस पलटे जोजा ने पूछा किसका खत है इम्तिहान लेने के लिए जुमला कहा आया तो है मेरे हुसैन का खत लेकिन उसमें लिखा है कि तुमको करबला आना है मैं करबला क्यों जाऊं इसलिए कि यह करबला की जंग तो यह आपसी जंग है यह जुमला सुनना था जोजा अपनी जगह से खड़ी हो गई ए हबीब सहरा का बुला रहा है और तुम नहीं जाने की गुफ्तगु कर रहे हो तुम्हें जाना होगा हबीब कहते मैं तो तुम्हें आजमा रहा था क्या यह मुमकिन है कि मेरा हुसैन बुलाए और हबीब मिलने के लिए न जाए क्या यह मुमकिन है कि आका बुलाए और गुलाम मिलने के लिए न जाए हाँ ज्यादा जनाब हबीब ने अपने गुलाम से कहा मेरा घोड़ा लेके जाओ किसी सुनसान जगह के ऊपर खड़े हो जाना ताकि कोई देख न सके कि हबीब कूफे से जा रहे हैं हबीब को जरा निकल निकलने में देर हो गई अब जो पहुंचे सुनोगे आजादारों अब जनाब हबीब जिस मौके पर पहुंचे हैं वो घोड़ा अपनी टापों को जमीन पे मार रहा था और वो गुलाम उससे करीब खड़े होके उसके कान में कह रहा था ये घोड़े परेशान न हो ना अगर मेरा आका हुसैन की मदद करने नहीं जाएगा ये गुलाम तुम्हारी पीठ पे बैठ के हुसैन की नुसरत करने जाएगा अभी हमने ये जुमला सुना ए गुलाम जा तुझे मैंने खुदा की राह में आजाद कर दिया हबीब निकले सुने आजादारों इधर मैदान करबला में इंतजार हो रहा है एक मेरा साहबी है जो आ रहा है एक मेरा बचपन का दोस्त है जो आ रहा है अजीब लम्हा है जैसे ही कूफे की तरफ से खाक उड़नी शुरू हुई अब्बास भी अपनी जगह से उठे अली अकबर भी उठे हुसैन भी उठे, उठे। मेरा मुजाहिद दोस्त आ रहा है मेरा बावफा दोस्त आ रहा है सुनोगे आजादारों जनाब हबीब पहुंचे हुसैन ने सीने से लगा लिया हम तो से मिलने नहीं आए हो अपनी मैं तो भी यहाँ जाएगा बस ये था। ने कहा लम्हा थे यहाँ के ऊपर जनाब फिजा के लिए मिलता है फिजा दौड़ती हुई आई कहा हबीब अपनी किस्मत पे नाज करो तुम्हें सैनब ने सलाम कहा है बस जुमला सुनना था अभी अपने खुद को जमीन पे गिरा दिया खाक अपने सर पे डालनी शुरू कर दी ए अल्लाह ए मेरे परवर सैदानियों पे ये वक्त आ गया अब सैदानिया गुलामों को सलाम कहलवाए कहूँगा हबीब अभी तो वो वक्त नहीं आया है आशूर के हंगाम में आ जाना यही सैनब जलते हुए खेमे से बाहर निकलेंगी आवाज देंगी ए भैया हुसैन जैनब अकेली हो गई है कोई नहीं है जो इस जैनब की मदद करने के लिए ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي قَلَبِي ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد پروردگار ہم هم کے آقا اور مولا کے فرما परवरदिगार आशब जुमा है हम सभी को ज्यारत इमाम की तोफ़ी अता फ़रमा परवरदिगार वो तमाम मिनीन और ममिनत जो इमाम हुसैन की आज़ादारी में मसरूफ़ हैं इन सभी की तोफ़ीत में इजाफ़ा फरमा परवरदार हम सभी से हमारी ये इबादत हमारी आज़ादारी कबूल फरमा परवरदार इस दुनिया में इमाम हुसैन की ज्यारत और मैदान मशर में शफात इनायत फरमा ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسين